असलम एवरी वन दिस इज बुष्टा राजपूत और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फुल ऑन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी जो कि बहुत बेसिक स्टेप से बनती है और आपको पूरा रेस्टोरेंट फील आने वाला है आई प्रोमिस चले जी स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑलमोस्ट चार कप पानी चार कप ले लें चार ग्लास ले लें आपके हिसाब से जितना आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है आप कर सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबल रेसिपी है एक कप चिकन मैंने ले लिया था मेरे पास बोनलेस था आप विद बोन्स यूज करना चाहते हैं आप विद बोन्स कर लें ठीक है अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टी बस आपने इसका एक स्टॉक तैयार कर लेना है जब आप रेस्टोरेंट्स में जाके सूप पीते हैं वो कोई भी इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करते कि इसमें हल्दी डालें या फिर खड़े गरम मसाले डालते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपने बस इसकी एक अच्छी सी यखनी तैयार कर लेनी है मैं आपको दिखाती हूँ सारे स्टेप्स मैंने कवर किए हैं मैं आपके लिए ये जो ऊपर आ रहा है इसका हम आप इसको उतार लेंगे जितना क्लियर हो सके अपने सूप को बनाएंगे इसको उतारते रहेंगे और आपका सूप थोड़ी देर में सूप नहीं स्टॉक तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से ये देखें हार्डली दस मिनट लगे मुझे चिकन तो वैसे ही गल जाता है स्टॉक तैयार करने में आपको एक अच्छा सा अरोमा चाहिए इसके स्टॉक में वरना फिर वो पानी पानी लगता है मैं छान लूँगी यहाँ पे आप भी इसी तरीके से छान सकते हैं अगेन ये जो है रेसिपी बहुत फ्लेक्सिबल है जितना चिकन स्टॉक बनाएंगे उतना सूप आपकी फ़ैमिली पर डिपेंड करता है कितना पीती है तो आप जो है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं इन्ग्रीडियंट्स पर ध्यान दें देखिए ये हमें हटाना था हमारे सूप से हमने हटा दिया उसको साइड पर कर दिया है अब जो चिकन हमारा बॉईल हुआ है उसको करेंगे श्रेड मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो मैं ये ट्रिक यूज कर रही हूँ मैंने भी इंटरनेट से सीखी है अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड घर में इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो दो फॉर्क लें यानी कि कांटे चिकन को रखें अपनी स्लैब पे या फिर कटिंग बोर्ड पर और उस कांटे से जो है वो श्रेड करना शुरू कर दें वो भी नहीं कर सकते तो बस हाथ से श्रेड करना शुरू कर दें जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा है आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करता है आप चाहें आपके घर में जो छुरी है या बड़ा जो छुरा होता है उससे भी इसको फाइन चॉप कर सकते हैं अगर श्रेडिंग ना आए आपको ये देखें मैंने सारे तरीके बता दिए पूरी आसान करके आपको ये चीज बता दी है ये स्टेप जो है जिसके पास हो तो भी नहीं हो तो भी आप किस तरीके से अपने चिकन को श्रेड कर सकते हैं ये देखें जबरदस्त सा श्रेडेड चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो है मेरे पास स्वीट कॉर्न था स्वीट कॉर्न भी रेस्टोरेंट में भर भर के नहीं डाला जाता है दो से तीन टेबल स्पून बहुत होता है मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया था कैन में अवेलेबल होता है रफली चॉप कर दूंगी इसको ब्लेंड नहीं कीजिएगा इसको थिक प्योरी में ले आए नहीं हमें इसे रफ चॉप देना है बस ये स्टेप भी हमारा हो गया अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे ये सारी प्रेप आप करके रख लें एक अंडा है एक अंडे को मैं अच्छे से बीट करके रख लूंगी ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं आप डन करें बस फिर सर्विंग की तैयारी भी मैं साथ साथ लगाऊंगी किस तरीके से आप सर्व करेंगे फॉरन फॉरन दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं इवन खुला कॉर्नफ्लावर आपको जो मिलता है यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ पे वन फोर्थ के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी रूम टेम्परेचर पे और एक स्लरी तैयार कर लूंगी कॉर्नफ्लावर की अच्छा अभी आप कॉर्नफ्लावर को जितना भी मिक्स कर लें जब एंड में इसको डालना होता है आपको वापस मिक्स करना पड़ता है क्योंकि ये बैठ जाता है नीचे ये स्टेप भी डन हो गया फाइनल प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे हो या फिर अपना सर्विंग के लिए टेबल या दस्तान तैयार कर रहे हो तो ये चीजें आप पहले कर लें मैंने यहाँ पे सर्विंग बोल्स निकाल लिए थे उनको साफ ने रख दिया था इसके साथ साथ जो चीजें सर्व की जाती हैं आपको क्रैकर्स फ्राई करने हैं आप क्रैकर्स फ्राई कर सकते हैं आपने अगर कोई मेन कोर्स बनाया हुआ है वो सब आप डिश आउट करना यहाँ पे शुरू कर एटलीस्ट चीजों की प्लेसमेंट कर देंगे ताकि लास्ट मोमेंट पर हमारे पास ये ना हो कि हमारे पास सूप सर्व करने के लिए तैयार हो और बाकी सारी चीजें अभी करनी हो तो सूप बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और वह बैठ जाता है यहाँ पे मैंने विनेगर सोया सॉस और चिली सॉस वही पाकिस्तानी स्टाइल है तो बस वही है कि मैं आपको वैसी सर्व करके दिखा रही हूँ आप चाहें इस आ, स्टेप पे आप विनेगर में छोटी छोटी हरी मिर्चें चॉप करके या फिर हल्का सा काट के उनको डाल सकते हैं वो भी अच्छी लगती है लेकिन क्रैकर्स और ये वाला बड़ा बेस्ट सीन जाता है मैंने उसी स्टॉक को यूज़ करना है उसी वॉक को यूज़ करना है मैं उसमें डाल दूंगी ये सारा ब्रॉथ जो हमने तैयार किया था चिकन की यखनी इसमें जाएंगे कुछ मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं मेरे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़े से ज्यादा भी रखे थे खैर ये क्वांटिटी आइडियल है वन फोर्थ टीस्पून सारा हिसाब रखेंगे शुगर सॉल्ट ब्लैक पेपर वाइट पेपर चारों चीजें डालेंगे लेकिन हम वजन सबकी जो रेशो सबकी क्वान्टिटी सेम होंगी वन फोर्थ टी शुगर सॉल्ट ब्लैक पेपर वाइट पेपर इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाता जो आपको रेसिपीज में दिखता है वो सही होगा लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल है जो हमने जो कॉर्न चॉप किया था इस स्टेज पे हम कॉर्न भी डाल देंगे मीडियम हाई मेरा फ्लेम है मैंने फ्लेम भी कैप्चर किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो गैस का भी इशू चल रहा है इसलिए मैंने दिखा दिया चिकन ऐड कर रही हूँ मैं चिकन आप चाहें तो इस वक्त आप सारा डाल सकते हैं नहीं तो आप बचा के रखें सर्विंग के टाइम पर आप ऊपर उसको दे सकते हैं मैं अच्छे से इसको बॉयल आने दूंगी इस मोमेंट पे टेस्ट और एडजस्ट करने वाला कोई भी सीन नहीं होता है आपको वेट करना पड़ता है कॉर्नफ्लावर स्लरी जाएगी तो ही आप जाके इसको टेस्ट करेंगे और एडजस्ट कर सकते हैं इस वक्त इसमें सारे फ्लेवर आ रहे हैं कॉर्न के आपके ड्राई मसालों के आपके चिकन के सबके मसाले कोकोंगे होंगे और फ्लेवर्स आएंगे जब बिल्कुल हाई फ्लेम ही रखा और आपका ये जो बॉयल होने लग जाएगा आपने इसमें कॉर्नफ्लावर्स स्लरी डाल देनी है अगर आपके सूप पे बॉयल नहीं आ रहा जैसे मेरे बॉयल आ रहा था अगर आपके सूप पे ये बॉयल नहीं आ रहा और आप कॉर्नफ्लावर्स स्लरी डाल देंगे आपका कभी भी सूप थिक नहीं होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं हमारा सूप थिक नहीं होता यही वजह होती है आपने इसको बिल्कुल खोलते हुए सूप में अपनी कॉर्नफ्लॉर्व लरी डालनी है और एक अंडा डाल देना है इस तरीके से दस सेकेंड वेट करें काउंट करें फिंगर्स पे और उसके बाद आप चम्मच हिलाएंगे ये देखें अगर आपने फ़ौरन चम्मच हिलाया तो वो इतना छोटा छोटा सा अंडा होगा और आपका सूप दिखेगा भी नहीं जिस तरीके से कॉर्न सूप होता है बस 10 सेकंड अपनी उंगलियों पर काउंट करें और उसके बाद अपना स्पून हिलाएं बस आपका सूप बिल्कुल तैयार है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए मैंने जो टिप्स बताई थी आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट यही बनेगा यही कलर यही टेक्सचर थ्री बोल्स ये सर्व करता है पानी बढ़ाएं तो आप जो है ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं चार मसाले डालने हैं आपने एडजस्ट करना है अपने टेस्ट के हिसाब से मेरी फैमिली को ये स्पाइस बिल्कुल सही लगता है तो वन फोर्थ टी आइडियल है ठीक है वरना आप कम ज़्यादा हर चीज़ कर सकते हैं देखिए मेरी सारी चीजें तैयार थी मुझे आके बस अपने टेबल पर सूप सर्व करना था और लोगों ने खाना था जरूर ट्राई कीजिएगा ये इजी रेसिपी और मुझे बताइएगा कैसी बनी आई वेट फॉर योर फीडबैक हाफिज